से अगली कॉलर हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार। जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ अकीन साहब, मुझे बहुत पसंद आता है आपका प्रोग्राम। जी शुक्रिया। मेरा जी मुझे पसंद करते हैं या इनको? ये खूबसूरत है बहुत। जी ये खूबसूरत है और हमने इनको और प्रोग्राम में भी देखा है और आपके साथ भी देखते हैं, लेकिन आप जो नुस्खे बताते हैं घरेलू वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें। और मुझे मेरी समस्या के लिए पूछना था, मेरी कमर में लेफ्ट साइड में बहुत दर्द रहता है नीचे के हिस्से में और जाम सी हो जाता है, ऐसा लगता है खिंचाव हो रहा है। मैं योगा करती हूँ, योगा से मैंने मेरा नजला भी सही किया, लेकिन योगा करने से मेरे इस जगह में आराम नहीं आ रहा है इस ठीक चीज से भी। है, आप अपनी उम्र बताइए। ठीक मेरी उम्र 41 साल है। है। अच्छा बेटा, ये योगा से हुआ है आपको। देखिए, योगा करने वाले अलग लोग होते हैं, और अब योगा छोड़ दीजिए। और योगा से कभी नजला ठीक नहीं हो सकता। नजला एक ऐसी बीमारी है जो उन लोगों को होती है जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी की दवाएं लें तो नज़ला ठीक होता है। अच्छा, इसके लिए आप गौंद स्याह ले लें। एक आता है काला गौंद, गौंद स्याह, ये असली लेना ज़रूरी है। नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और ये है तो बस 10-12 रुपए रोज़ की, रोजाना की खुराक। सस्ता है गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। और कहीं भी दर्द हो, कमर में हो, टांगों में हो, या किसी की बॉडी पार्ट में, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, नाश्ते और रात को खाने के बाद आप पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस है तो जूस से भी ले सकते हैं। ये आपके तमाम दर्द को का दुश्मन है। ये कितना ही उम्र हो, कितना ही दर्द हो, ऑपरेशन की नौबत हो, इसमें बड़ी कुदरत रखी है ऊपर वाले ने। काला गौन यानी सियाह गौन असली लेना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, हमारे एंकर को पसंद करने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी इसी के साथ ममता है अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी ममता जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, जैसी मुझे बात करनी है, मेरी ना 4 साल से आंखों में पानी जाता है और धुंधलापन आता है, चिकना चिकना पानी जाता है और गैस बनती है। उम्र क्या है आपकी? 65 साल। ठीक है। और मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और मेरे आधी साइड में ना ये उल्टी तरफ सर्वाइकल का दर्द होता है, गर्दन तक होता है उल्टे हाथ में, ठीक ये है, ठीक बीमारी है मुझे। पेट साफ मेरा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत गौर से सुने मेरी बात। देखिए, सर्वाइकल का तो इलाज ये है कि आप ये एक्सरसाइज देखिए, ये आपको दिन भर करें। मेरी तरफ से तो ये हिदायत है कि 3 मिनट करें, लेकिन आप चाहें तो दिन भर कर सकते हैं। ये कान इससे मिलाना है, देखिए ऐसे, इससे मोढ़ा नहीं उठाना है। औरतें क्या करती है, ऐसा मोढ़ा उठा के ऐसे मिला देती है। नहीं, मोढ़ा वहीं रहे अपना, खावा वहीं रहे, और ऐसे मिलाना है। ये 3 मिनट कम से कम रोज करें, और 3 मिनट ऐसे पूरी तरह मोड़ दें, बिल्कुल दुश्मन समझ के, या ऐसे 3 मिनट करें या इससे ज्यादा करें। ये सर्वाइकल 10-12 दिन में कहाँ चला गया आप ढूंढते रह जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। और जो बाकी जितने मर्ज आपने बताए हैं, शुगर, पेट की परेशानी और परेशानी, एसिडिटी की परेशानी, इसके लिए जैतून का सिरका ले लें। जैतून का सिरका असली वाला, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, नाश्ते और रात के खाने के बाद 1 गिलास पानी में मिला के लें। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए, शुगर भी कंट्रोल होनी चाहिए, और ये आप लें, चाहे तो जीवन भर लें ताकि आप सेहत की जिंदगी गुजार सके। क्या ये बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सतीश, सतीश जी, सतीश जी, सवाल। जी,
बस यही पूछना है कि मेरे नर्स की प्रॉब्लम है, मुझे रात को सोते समय ना कई कई ना जब नब्ज वगैरह चढ़ जाती है ना तो फिर एकदम इतनी दर्द होती है, खड़ा होता हूँ उसका जो थोड़ा चलता हूँ तो ठीक हो जाता है, रात को नींद प्रॉपरली नहीं इसीलिए आती। आपकी नस पे नस चढ़ जाती है और दर्द होता है? हाँ नहीं वो नार चढ़ जाती